नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नरेश कुमार इंसा। सर, आज आप खूनदान करने आए हो, किस उपलक्ष्य में आप लोग खूनदान? जी, किसी के जीवन बच जाए, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। सर, पहले कितनी बार दिया सर आपने? 9वीं बार किया। अभी आपको डर नहीं लगता? सर, डर नहीं लगता, बहुत खुशी होती है भी किसी की मदद कर सकूँ। सर, दूसरों के लिए सोचना, ये सोच आपके अंदर कैसे आई? ये हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी की प्रेरणा से, उन्होंने हमें अंदर से जज्बा भरा भी किसी की इंसान, किसी जान बचाना सबसे बड़ी इंसानियत है। सर, संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसान 4 सालों से समाज में नहीं है, क्या आप लोग को लगता है कि संत जी की अब समाज को जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, उन्हीं की कृपा से सारे विश्व में अमन शांति थी। अब देख लो समय कैसा है, पंजाब में देख लो कितना नशा बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है और समाज में बहुत कुरूतियाँ फैल रही हैं। तो मैं तो यही सरकार से मांग करूँगा अभी उनको जल्दी जल्दी रिहा किया जाए। संत जी समाज में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होंगे समाज में? इस समाज में हर तरफ से अच्छे कार्य होंगे, मानवता भलाई के सारे कार्य होंगे, तो सत्युग तो ऑटोमेटिक आएगा। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से संत जी के? सरकार से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी रिहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द से डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा समाज में वापस आने चाहिए। ये लोग आज भी लगे हुए हैं इंसानियत की सेवा के लिए, खूनदान करने के लिए। आपके क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट।